हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 4th चैप्टर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत समाप्त कर दिया था। इसके लास्ट वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने उन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक के अन्य प्रश्नों की तरफ। तो शुरू करें, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, प्रौद्योगिकी की प्रगति एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। हमने फर्म का पूर्ति वक्र पढ़ा था, फर्म को के पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े थे कि जो कारक लागत को प्रभावित करते हैं वही क्या करते हैं, पूर्ति वक्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो पूर्ति वक्र है वो क्या होता है, सीमांत लागत का भागी होता है। तो प्रौद्योगिकी प्रगति किस प्रकार से पूर्ति वक्र को प्रभावित करती है, तो बच्चों प्रौद्योगिकी प्रगति होती है तो इससे क्या होता है, इनोवेशन होते हैं और फर्म की जो लागतें हैं वो कम हो जाती हैं। लागतें यदि कम हो जाएगी तो फर्म पूर्ति अधिक कर पाएगी और जो पूर्ति वक्र बढ़ने से जो पूर्ति वक्र है वो दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो यही इसका आंसर है कि प्रौद्योगिकी प्रगति एक फर्म की पूर्ति में क्या करती है, वृद्धि करती है, उसे दाईं ओर खिसका देती है। प्रौद्योगिकी प्रगति से समान साधनों से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। मान लो ये P है, ये Q है और ये फर्म का क्या है, पूर्ति वक्र। तो प्रौद्योगिकी प्रगति से पूर्ति वक्र कहाँ खिसक जाता है, दाईनी ओर खिसक जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि इकाई कर लगाने से एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो इकाई कर है वो फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि इकाई कर लगाने से क्या होती है, जो कीमतें हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। कीमतें यदि बढ़ जाती हैं तो फर्म क्या होती है, उनकी लागतें बढ़ जाती है। लागतें बढ़ने के बाद वो क्या कर पाती है, उत्पादन कम कर पाती है, इसीलिए पूर्ति भी कम कर पाती है। फलस्वरूप वस्तु की जो पूर्ति है वो कम हो जाती है, अर्थात पूर्ति वक्र बाईं तरफ खिसक जाता है। ठीक है, यहां पर यही है, जब किसी वस्तु पर इकाई कर लगता है तो अल्पकाल में पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, क्योंकि अल्पकाल का पूर्ति वक्र एमसी का न्यूनतम एबीसी वक्र के ऊपर का हिस्सा होता है। कर लगने पर एमसी और एबीसी वक्र बाईं ओर खिसेंगे, जिससे पूर्ति वक्र भी बाईं ओर खिसक जाएगा। तो जैसे ये पी है, ये क्यू है, ये पूर्ति वक्र है, तो पूर्ति वक्र कहां खिसक जाएगा, बाईं ओर इधर की तरफ खिसक जाएगा। जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था दाईं तरफ खिसक गया, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बाईं तरफ खिसक जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आगत की कीमत में वृद्धि एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब जो नेक्स्ट पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक है वो है आगत की कीमत में वृद्धि, अर्थात उत्पादन में जो साधन लगाए जाते हैं उनकी यदि कीमत में वृद्धि होती है तो क्या होगा, यदि उत्पादन के साधन महंगे हो जाएंगे तो उत्पादन करने में क्या होगी, लागतें ज़्यादा आएंगी। लागतें ज़्यादा आएंगी तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन कम करेगी। उत्पादन कम करेगी तो उसकी पूर्ति भी कम होगी, और पूर्ति कम होगी तो इससे क्या होगा, जो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, अर्थात पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि किसी आगत की कीमत में वृद्धि से वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है और लाभ कम हो जाता है, अतः किसी आगत की कीमत में वृद्धि से पूर्ति में कमी हो जाती है। पी क्यू एस एस, तो पूर्ति वक्र कहाँ खिसक जाएगा, एस बाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि बाजार पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो बच्चों हमने लेसन में भी ये जाना था कि यदि फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होगा, अधिक फर्में मतलब अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन मतलब अधिक पूर्ति, अर्थात फर्मों की संख्या में यदि वृद्धि होती है तो क्या होगी, पूर्ति भी अधिक हो जाएगी, अर्थात पूर्ति वक्र कहाँ खिसक जाएगा, दाहिने तरफ खिसक जाएगा। इसमें यही लिखा है कि बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो पूर्ति वक्र कहाँ खिसक जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। आप सभी इन क्वेश्चन में डायग्राम बना के आएंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। इस तरीके से दाईं ओर खिसक जाएगा फर्मों की संख्या में वृद्धि होने से। आगे बच्चों समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है, हम इसे कैसे मापते हैं। तो बच्चों जैसे हमने मांग की कीमत लोच पढ़ी थी, वैसे ही हमने इस लेसन में पूर्ति की कीमत लोच पढ़ी थी। तो पूर्ति की कीमत लोच क्या बताती है, कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से पूर्ति मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, और हमने इसकी आनुपातिक और प्रतिशत विधि भी पढ़ी थी। इसी तरीके से पढ़ी थी कि हमें लिखना है कि पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा के अनुक्रियाशीलता को मापती है।
पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, डेल्टा क्यू बटे में क्यू मल्टीप्लाई 100, डेल्टा पी बटे में पी मल्टीप्लाई 100, और इसको कैसे निकालेंगे, पी बटे क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का हमें परिकलन करना है। यदि हमें वस्तु की प्रति की इकाई कीमत कितनी दे रखी है, 10 रुपये दे रखी है। हमें यहाँ वस्तु की कीमत दे रखी है 10, ये हमारा है क्यू। तो हम टी आर निकालते हैं, तो टी आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी में क्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। कुल संप्राप्ति यही तो होती है कि कीमत और बेची गई मात्रा को गुणा कर देते हैं, तो टी आर ज्ञात हो जाता है। तो हम सबसे पहले TR अर्थात कुल संप्राप्ति ज्ञात कर लेते हैं। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 को 1 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 20, 10 को 3 से करेंगे 30, 10 को 4 से करेंगे 40, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया, कुल आगम TR। इसके बाद हम निकालते हैं MR, सीमांत संप्राप्ति। तो MR निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, डेल्टा TR बटा डेल्टा क्यू, अर्थात एक अतिरिक्त बेची गई मात्रा में परिवर्तन से कुल आगम है उसमें होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति। तो हम देखेंगे इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो पहले डैश कुछ परिवर्तन नहीं, फिर 10 का परिवर्तन, 10 का 10 10 10 और 10, तो सब में किसने कितने का परिवर्तन हो रहा है, 10 10 का परिवर्तन हो रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हम MR निकालेंगे। इसके बाद आता है हमारा AR, औसत संप्राप्ति। तो AR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो TR है उसमें हम Q का भाग लगा देंगे, जो कुल संप्राप्ति है उसमें हम क्या, बेची गई मात्रा का भाग लगा देंगे। तो कुल संप्राप्ति आपके सामने है, इसमें हम बेची गई मात्रा का भाग लगा देते हैं। यहाँ डैश 10 में से एक का भाग लगाएंगे 10, 20 में 2 का 10, 30 में 3 का 10, 40 में 4 का 10, 50 में 5 का 10 और 60 में 6 का 10। तो हम क्या देख रहे हैं, MR और AR दोनों क्या है, इक्वल आए हैं। औसत आगम और सीमांत आगम क्या होते हैं, बराबर, और किसके बराबर होते हैं, कीमत के बराबर। ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था, x अक्ष के समानांतर वक्र बनता है जहां AR, MR और P तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है, बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल संप्राप्ति हमें दे रखी है और कुल लागत हमें दे रखी है। प्रत्येक उत्पादन स्तर के लाभ की गणना कीजिए, वस्तु की बाजार कीमत भी क्या कीजिए, निर्धारित कीजिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो लाभ है वो कैसे निकालते हैं, हम कुल आगम में कुल लागत को माइनस करके, जो हमने कुल आगम हमें जो प्राप्त हो रहा है, हमने जो लागत लगाई है उत्पादन के साधनों पर जो खर्च किया है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, फर्म का लाभ ज्ञात हो जाएगा। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को माइनस कर देंगे। तो 0 में से जो 5 है उसको यदि हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, लागत अधिक है तो माइनस 5, 5 में से 7 लागत अधिक है माइनस 2, 10 में से 10 0, 15 में से 12 3, 20 में से 15 5, 25 में से 23 2, 30 में से 33 लागत अधिक है इसलिए 3, 35 में से 40 लागत अधिक है इसलिए माइनस 5। जिस जिसमें लागत अधिक है उसमें तो माइनस आएंगे, जैसे यहाँ पर 5 लागत अधिक है, 7 लागत अधिक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो आगम और लागत दोनों बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 33 क्या है, लागत अधिक है और 40 लागत अधिक है, तो वह माइनस में होगा अर्थात हानि होगी और बाकी जगह प्लस में अर्थात लाभ होगा। आगे बच्चों समझ में। अब इसमें लिखा है कि वस्तु की बाजार कीमत भी निर्धारित कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, TR दे रखा है, TR हमने दे रखा है। हम कीमत निकाल लेते हैं, अर्थात कीमत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर AR निकाल लो या फिर MR निकाल लो, वही क्या होगी, यहाँ पर कीमत होगी। बेची गई मात्रा हमें दे रखी है, कुल संप्राप्ति हम, तो हम यहाँ पर अलग से कॉलम बना के भी लिख सकते हैं कि कीमत कैसे निकालते हैं, कीमत अर्थात AR। AR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, TR में Q का भाग लगा देंगे, जो TR है उसमें Q का भाग लगा देंगे। तो यदि हम 0, 5 में 1 का लगाते हैं तो 5, 10 में 2 का 5, 15 में 3 का 5, 20 में 4 का 5, 25 में 5 का 5, 30 में 6 का 5 और 37 में 5 का 5। तो इस प्रकार से कीमत क्या आती है, 5 आती है। आगे बच्चों समझ में। तो हमने किस तरीके से यहाँ पर कीमत क्या निकाली है, हमारी 5, अर्थात AR भी 5 होता है, TR और TC में से हमने माइनस किया तो हमें लाभ ज्ञात हो जाता है।
आगे बच्चों समझ में, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तालिका में एक प्रतिस्पर्धी फर्म की कुल लागत सारणी को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 10 रुपये दी हुई है, तो प्रत्येक उत्पादन स्तर पर लाभ की गणना करनी है। लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर भी ज्ञात करना है। आपके सामने ये सारणी दे रखी है, इसके अंदर हमें क्यू दे रखा है और हमें टीसी दे रखा है और हमें गणना करनी है लाभ की। हमें गणना करनी है, पहले हम ज्ञात करेंगे टीआर और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे लाभ, क्योंकि हमें टीआर पता होगा। हमने लिखा था कि जो लाभ है वो क्या होता है, टीआर में से टीसी को माइनस करके आता है। तो हमें कुल लागत तो दे रखी है लेकिन हमें टीआर नहीं दिया हुआ। टीआर देखिए तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, कुल लाभ निकाल पाएंगे। और टीआर निकालने के लिए हमें वस्तु की कीमत दी हुई है 10 रुपये, तो यहाँ पर हमें पी कितना दिया हुआ है, 10 रुपये। ठीक है, तो हम टी आर कैसे निकालेंगे, पी को में क्यू को मल्टीप्लाई करके। तो पी कितनी है, 10, और क्यू यहाँ पर दे रखी है, तो 10 में 0, 0, 10 एकम 10, 10 दुनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छिंग 60, 10 सते 70, 10 अठे 80, 90 और 100। ये हमारी आ गई टी आर। अब हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, टी आर में से टी सी को माइनस करना होगा। TR माइनस TC, आ रहे बच्चों समझ में। तो हमें TR दे रखा है और TC दे रखा है, तो हम माइनस करेंगे। तो जो यदि आगम है यदि वो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और यदि आगम कम है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। आगम 0 है और ये है लागत अधिक, इसलिए माइनस 5, 10 में से 15 माइनस 5, 20 में से 22 माइनस 2, 30 में से 27, 3, 40 में से 31, 9, 50 में से 38, 12, 60 में से 49, 11 और 70 में से 63, 7, 80 में से 81 माइनस 1, 90 में से 101 माइनस 11, इसके बाद 123 माइनस 23। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब टी आर क्या है, अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ। तो यहाँ पर 0, टी आर कम है 5 से, तो क्या हो गया, माइनस 5, हमारा यहाँ पर हानि होगी। 10 यहाँ पर टी आर कम है तो माइनस 5, 20 यहाँ पर टी आर कम है तो इसका मतलब माइनस 2, 30 यहाँ पर क्या है, अधिक है इसलिए 3 आ गया, 40 यहाँ पर अधिक है इसलिए 9 आ गया, 40 में से 31 गए तो 9 आ जाएगा, 50 यहाँ पर अधिक है इसका मतलब 12 आ गया, 60 यहाँ पर अधिक है इसका मतलब 11 आ गया, 70 में से 63 गए तो 7 आ गया, 80 में से 81 मतलब 81 क्या है, कुल लागत अधिक है तो इसका मतलब आगम कम है तो माइनस 1 आ गया, 90 में 101 और 90 मतलब कितना क्या ज़्यादा है, हमारा टी आर क्या है, कम है, और लागत क्या है, हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस 11 और यहाँ पर माइनस 23। तो इस तरीके से क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो तो क्या होगा, प्लस में आएगा, और जो माइनस में है वो क्या है, एक तरह एक हानि है। आगे बच्चों समझ में। अब इसके अंदर हमसे ये भी पूछा है कि लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर ज्ञात करना है, कि हमें वो उत्पादन का स्तर ज्ञात करना है जहाँ पर लाभ अधिकतम है। तो जो माइनस है वो तो सब हानि है, तो वहाँ तो लाभ अधिकतम हो ही नहीं सकता। अब हम प्लस में देखते हैं, तो जो 12 है वो अधिकतम लाभ है, तो 12 के उसमें हम यदि उत्पादन का स्तर देखते हैं तो कितना है, 5, तो अधिकतम उत्पादन का स्तर है कितना है, 5, जहां लाभ कितना अधिकतम है, जहां पर लाभ है हमारा 12। आ रहे बच्चों समझ में। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि अधिकतम निर्गत का स्तर जहां पर लाभ अधिकतमीकरण है वो है 5 इकाई। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो फर्मों वाले एक बाजार को लेना है, निम्न तालिका दोनों फर्मों की पूर्ति सारणी को दिखाती है। ये एक फर्म की पूर्ति सारणी है, ये दूसरे फर्म की पूर्ति सारणी है। SS1 कॉलम 1 फर्म 1 की पूर्ति सारणी, SS2 कॉलम 2 फर्म 2 की पूर्ति सारणी, और हमें निकालनी है बाजार पूर्ति सारणी। हमें क्या निकालना है, बाजार पूर्ति, अर्थात हमें निकालना है एम। एम कैसे निकालेंगे, हम SS1 और SS2 को प्लस करके। हमने यही पढ़ा था कि जो दो फर्म है तो दोनों फर्मों के जो पूर्ति है उनका योग हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, बाजार पूर्ति। तो दोनों फर्मों का योग कर लेते हैं, यहाँ आगे 0, 0, 0, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 6 और 8। तो इस तरीके से हम बाजार पूर्ति निकालेंगे दोनों का टोटल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो फर्मों वाले बाजार को लीजिए, निम्न तालिका में SS1 तथा SS2 फर्म 1 और फर्म 2 की पूर्ति सारणी को दिखाती है, बाजार पूर्ति सारणी का परिकलन कीजिए। तो हमें यहाँ पर भी वही करना है, दोनों को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, M बराबर SS1 SS2। ठीक है, 0 0 0 1 2.5 4
5.5, 7 और 8.5। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, बाजार पूर्ति। आगे बच्चों समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाजार में 3 समरूपी फर्म है, तीनों फर्म कैसी है, एक जैसी है। निम्न तालिका फर्म एक की हमें पूर्ति सारणी दिखाई है, तो हमें बाजार पूर्ति निकालनी है। तो हमें पता है कि जब तीनों फर्में क्या है, एक जैसी है, एक जैसी पूर्ति कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों फर्मों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो हमें SS1 की दे रखी है यहाँ पर, तो SS2 और SS3 क्या होगी, जो SS1 की है वही होगी, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। SS3 की भी होगी 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और जो हमारी मार्केट है वो कैसी होगी, SS1, SS2 और SS3 तीनों का योग। SS1, SS2, SS3 तीनों का योग है, वो हमारी क्या हो जाएगी, बाजार पूर्ति कहलाएगी। तो तीनों का टोटल कर लेते हैं, 0, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42। इस तरीके से हम बाजार पूर्ति निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपये प्रति इकाई बाजार कीमत पर एक फर्म की संप्राप्ति कितनी है, 50 रुपये। बाजार कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है, 15 रुपये। अब फर्म को 150 रुपये की संप्राप्ति होती है, तो पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, पूर्ति की कीमत लोच, उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा ही था, उसी के आधार पर हम पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पी और यहाँ पर TR, हमें कुल संप्राप्ति दे रखी है, 10 रुपये जो कीमत है उस पर एक फर्म की संप्राप्ति है कितनी, 50। बाजार कीमत बढ़कर कितनी हो जाती है, 15। और अब फर्म को 150 रुपये की क्या होती है, संप्राप्ति होती है। तो हमें पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं पूर्ति की कीमत लोच का, ∆Q/ ∆P (P/Q)। अब हमें यहाँ पर कीमत तो ज्ञात है, लेकिन हमें क्यों ज्ञात नहीं है, मात्रा हमें ज्ञात करना जरूरी है। तो हम मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पढ़ा था जो TR है वो क्या होता है, P×Q, ठीक है। P×Q क्या होता है, TR। तो यदि हमें क्यों निकालना है, तो हम क्या करेंगे, TR में P का भाग लगा देंगे, कुल आगम में हम कीमत को का डिवाइड कर देंगे। तो 50 में 10 का करेंगे तो 5, 150 में इसका करेंगे 15 का तो आ जाएगा 10, 150 में 15 का करेंगे तो 10। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या आ गई, मात्रा। बस अब इजी हम निकाल लेंगे हम, ∆Q कितना परिवर्तन हुआ, 5 का, ∆P कितने का परिवर्तन हुआ, 5 का। प्रारंभिक जो हमारी कीमत है वो कितनी है, 10, और प्रारंभिक जो हमारी मांग मात्रा है वो है हमारी 5, ठीक है। 5, 5, 5, 1, 5, 2, 10, तो कितनी आ जाएगी हमारी पूर्ति की कीमत लोच, 2। आ रहे बच्चों समझ में, आपको बस केवल क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर TR समकुल संप्राप्ति, आप इसको क्यों मात्रा मत ले लेना, कहीं मात्रा से सॉल्व कर लें इसे, हमें कुल आगम दे रखी है, कुल आगम से पहले हमें मात्रा निकालनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की बाजार कीमत कितनी है, 5 रुपये, और उससे बदलकर हो जाती है 20 रुपये। फर्म की पूर्ति की मात्रा कितनी बढ़ जाती है, 15 इकाई। तो हम पहले देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर पी दे रखा है कितना, 5 रुपये, और 5 से बदलकर हो जाती है 20, ठीक है। इसके बाद फर्म की पूर्ति की मात्रा कितनी बढ़ जाती है, 15 इकाई, अर्थात जो ∆Q है वो कितना हो जाता है, 15 इकाई। आ रहा है बच्चों समझ में। तो फर्म की पूर्ति वक्र की क्या ज्ञात करने की कीमत लोच क्या है, 0.5। ES क्या है, 0.5। ये हमें सब कुछ दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है फर्म का आरंभिक और अंतिम निर्गत स्तर। तो हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। ES बराबर ∆Q/∆P/Q। तो ∆Q कितना परिवर्तन हुआ, 15 का। ∆P कितने का परिवर्तन हुआ, 15 का। ∆P प्रारंभिक जो कीमत है वो कितनी है, 5, और जो प्रारंभिक मात्रा है वो हमें ज्ञात ही नहीं है, तो वो हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पर हम लिख देंगे Q। और जो लोच है, कीमत लोच, वो है हमारी 0.5। करें अब इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 75 15 Q। अब हम इसको यहाँ ले आते हैं तो हमारा आ जाता है 7.5 Q/75। क्यू
10। तो क्यों हमारा क्या आ गया 10, अर्थात प्रारंभिक निर्गत का स्तर हमारा आ जाता है क्यू 10। अब हमें ज्ञात करना है अंतिम निर्गत स्तर, हमें मान लेते हैं इसको क्यू 2 लिख देते हैं हम। तो प्रारंभिक जो है हमारा कितना है 10, और कितना परिवर्तन हुआ है इसमें 15 का। तो अर्थात जो प्रारंभिक है और कितना परिवर्तन हुआ है उसको हम टोटल कर देते हैं। तो प्रारंभिक कितना आया हमारा 10, और परिवर्तन कितना हुआ है हमारा 15, तो कितना आ गया 25। आ रहा है बच्चों समझ में? तो प्रारंभिक तो क्या आ गया 10, और जो अंतिम निर्गत स्तर वो आ जाएगा 25। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर सारे जो फिगर है वो एक बार लिख लेने हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, और फिर हमें उसे जो हमारा फॉर्मूला है उसमें फिट करना है, जो नहीं ज्ञात हो हम उसको ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपये बाजार कीमत पर एक फर्म निर्गत की 4 इकाइयों की पूर्ति करती है। पी और क्यू हमें दे रखा है कि 10 रुपये बाजार कीमत है और इस पर एक फर्म निर्गत की पूर्ति करता है 4, ठीक है। बाजार कीमत बढ़कर हो जाती है 30, फर्म की पूर्ति की कीमत लो जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 1.25, ठीक है। तो नई कीमत पर, इस कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगी ये हमको ज्ञात यहाँ पर करना है। तो वही हमारा फॉर्मूला है वो लगाते हैं, ES बराबर P बटे Q डेल्टा Q बटे डेल्टा P। P हमें दे रखी है 10, Q हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है, मल्टीप्लाई डेल्टा Q, Q यहाँ पर हमें दे रखी है 4, क्यों यहाँ पर दे रखी है हमें 4, और डेल्टा क्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि कितना परिवर्तन होता है, हमें नहीं पता क्योंकि हमें जो नई मात्रा है वो भी नहीं दे रखी, तो हमें कैसे ज्ञात होगा। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी कितने का परिवर्तन हो रहा है 20 का, और जो पूर्ति की लोच है वो है हमारी 1.25, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हम यहाँ पर 1.25 10 Q और यहाँ पर हमारा आ गया 80। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारा आएगा 100, यह आएगा लेकिन पॉइंट रह जाएगा तो 20 हट जाएगी, बराबर 10 डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू बराबर 100 में हम 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो डेल्टा क्यू क्या आ गया हमारा 10, और हमसे पूछा है कि नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की पूर्ति करेगी। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है क्यू 2 नई कीमत पीकी पर कितनी पूर्ति की मात्रा करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रारंभिक कीमत है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसमें डेल्टा क्यू को जोड़ देंगे। तो प्रारंभिक की जो मात्रा है वो हमारी कितनी है 4, और इसके बाद जो है हमारी कितनी हो गई 10, तो कितनी हो गई 14, अर्थात 4 हमारी प्रारंभिक मात्रा थी उसमें 10 का परिवर्तन हुआ तो कितनी हो गई 14, 4 और 10 14। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको आपको साइड में लिख के लिख लेनी है, ताकि आपको पता हो कि आपको क्या क्या चीज़ें ज्ञात है और क्या चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। आगे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ आपका 4th चैप्टर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत समाप्त होता है। हमने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ की सहायता से मैं एक एक टर्म्स यहाँ पर पढ़ी, इसके साथ ही हमने इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी सॉल्व किए। तो आशा है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने पूरे लेसन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट भी किया होगा और अच्छे से याद भी किया होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ, जिसका नाम है 5th लेसन बाजार संतुलन, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार मांग और पूर्ति वक्र आपस में मिलकर बाजार में संतुलन स्थापित करते हैं, संतुलित कीमत स्थापित होती है और संतुलित मात्रा स्थापित होती है। आपने यदि 2nd चैप्टर और ये अपना 4th चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको बाजार संतुलन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आपको, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।